तो हमारी वर्स्ट मेमोरी है कि तो इसने मेरे को फिर गंदा जवाब दिया गुस्से में, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। अगर अब ड्रामे में करे ना मैं उठ के चली जाऊंगी। क्या है तो ये क्लिप भी डिलीट करोगी तू? मेल फ्रेंड्स में सबसे ऊपर नाम लूं तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू वाचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो विद आशना चंद। और आज हमारी जो वीडियो है वो चैलेंज वीडियो है, और चैलेंज वीडियो हमने सिंपल रखी है, सिंपल के आशना और मुझे एक दूसरे की बेस्ट और वर्स्ट मेमोरी बतानी है। एक सेकेंड, तो आशना और मुझे एक दूसरे की बेस्ट और वर्स्ट मेमोरी बतानी है, तो पहले आशना स्टार्ट करेगी। मैं क्यों स्टार्ट करूंगी यार, क्योंकि मेरा चैनल है। बेस्ट मेमोरी, बेस्ट मेमोरी, चलो पहले वर्स्ट बताते हैं, पहले मैं बता देती हूँ, कहीं ये फिर से आप कॉपी करने की सोच पर वही है यार मेरा भी है, तो मैं फिर दूसरा बताऊँ। तेरे को ज्यादा गुस्सा उस पे आया था कि उस पे आया था? इस पे आया था। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा, क्योंकि फिर हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका था तो तेरे गुस्से का लेवल भी बढ़ गया। छोड़ो वरना बात, वरना मैं बात करनी बंद कर देती ना। नहीं कर दिया मैंने, करने नहीं दी। गाइस तो हमारी वर्स्ट मेमोरी है, मतलब ऐसा हमारी कोई वर्स्ट मेमोरी नहीं है क्योंकि हम दोनों की टच उड़ लड़ाइयां नहीं होती हैं, हम दोनों समझ जाते हैं। जैसे अगर मैंने कभी इसको बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगी या इसने बोल दिया कि मैं नहीं आ रही मैं काम कर रही हूँ, तो हम बुरा नहीं मानते, हम उस टाइम पे शांत होके समझ लेते हैं एक दूसरे की। आशना गुस्सा कर जाती है कभी कभी, पर अब तो पता लग गया ना थोड़ा कि मैं लेट हो जाऊं या फिर मैं कहूं अब कर... नहीं करती अब तो, खैर मैं ही अवॉइड करती हूं। कल भी तो तुम लेट आई थी ना, पर वो तेरे को प्रूफ दिया था ना मैंने। प्रूफ क्या दिया? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर रहे हैं। नहीं अब मेरे को नहीं आता ऐसे, क्योंकि अभी से पता चल गया सारे क्रिएटर जो है ना ये आसपास के सब ऐसे ही हैं। हाँ तो हमारी वर्स्ट मेमोरी है कि कुछ दिन पहले, कुछ महीना डेढ़ महीना पहले मैंने इसे बोला, सिर्फ बात बताऊंगी नॉर्मल, मैंने इसे बोला कि चाय पीने चलेगी, तो इसने बोला टाइम देख रही हो मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा मुझे तो ज्ञान भी नहीं पूरी बात, मैंने कहा ठीक है, उसके बाद मैं चली गई। मैडम जी उसके मैं वापस, मैं पहले वापस आ गई, मैडम जी बाद में मैं आके देखूं, मैंने कहा है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं, मैंने कहा ठीक है। फिर ये अंदर आई तो मैंने कहा हाँ हाँ मेरे साथ तो चली नहीं तू, वो मेरे को गंदा जवाब देके सीधा अंदर घुस गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा ये मेरे घर में घुसी है। और यार ऐसे नहीं हुआ था, यही हुआ, मुझे अलग याद है। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि मैं इसके घर पे नहीं, ये मेरे घर में घुसी है रात में लेट और मुझसे बदतमीजी कर रही है। मैं चुपचाप जाके कम्बल डाल के सो गई। फिर दोबारा कुछ हुआ, मतलब मैं वो उसमें और भी ऐड हो गए थे, तो मैं कुछ हुआ तो मैंने उसको दोबारा बोला, मैंने कहा क्या है, तो इसने मेरे को फिर गंदा जवाब दिया गुस्से में। वो मेरे को पहली बार गुस्सा आया और मैं तो फोन में टक 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 लगे जाऊं, फिर ये भी अपने फोन में ऐसे चुपचाप बैठी रही। फिर वहां पे हमारी लड़ाई हुई थी बेड पे लेटे लेटे दोनों की, और वो ऐसी हो गई। मैंने सोचा था कि चलो आज भी सो जाओ, गुस्सा आ रहा है मेरे को, गुस्से में कुछ बोलना पसंद नहीं क्योंकि बाद में रिग्रेट करेगी। ये क्या करती है कि गुस्सा अगर इसे आया तो ये अगले दिन बात करेगी या थोड़े दिन बाद बात करेगी, मेरा ये कि अभी आया ना तो अभी निपट इससे। तो वहां पे हम दोनों ने लड़ाई करी, फिर इसे बाद में पता चला मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर ये हंसने लग गई। तो ये हमारी मतलब ऐसे वर्स्ट तो कुछ नहीं है, आपका कुछ भी वर्स्ट तो बाद में हमको हंसी आती है। अब सोच के तो हंसी आ रही है कि क्या फालतू की चीज पे लड़ रहे थे, फालतू की चीज नहीं थी बट हाँ मेरे को लड़ने की जरूरत थी। ऐसा जवाब दिया ना, मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? वर्स्ट नहीं था पर यही हुआ था। हमारे साथ एक और जना भी था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक और जना क्या प्रतिष्ठा थी उस दिन घर पे, तो मेरे को लगता है कि अगर प्रतिष्ठा नहीं होती तो कीर्ति अपना बैग उठाती और पैसे पैसे करा। हमें याद है मैंने बोला, मैंने कहा अगर अब ड्रामे में करे ना मैं उठ के चली जाऊंगी यहाँ से। तो अगर कीर्ति चली, वैसे तो मैं जाने नहीं देती पर कीर्ति चली जाती तो वो और बहुत बड़ी हो जाती लड़ाई। हाँ फिर एक जना नहीं था, फिर दो जने और थे। देख मेरे आंख में से वैसे फिर से पानी आ रहा है, ये ना सनस्क्रीन से होता है कभी कभार, मैं घर लगाती भी तो गंदे तरीके से, आंखों के आसपास नहीं लगाते, यहाँ भी नहीं लगाते सर। मेरे को अगर किसी ने फ्रेंडशिप की वैल्यू करना सिखाया है तो वो रिया और आशना। हंस मत, सैड म्यूजिक लगा। मतलब गर्ल वाली फ्रेंडशिप। हाँ गर्ल फ्रेंडशिप का आशना, रिया, अभिप्रिया, इन तीन ने सिखाया। लड़के ना इतना समझते नहीं है, मतलब भगवान कसम मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं इस मामले में बहुत लकी रही हूँ। मेरे को मेरी फैमिली बहुत अच्छी मिली, मेरे को मेल फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले, मेरे को फीमेल फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले। टच उड अगर मैं अपने मेल फ्रेंड्स में सबसे ऊपर नाम लूँ तो
सैंडी समीर, इनका कोई वो ऐसे दो अनमोल रतन है मेरे और लड़कियों में तो। बेस्ट मेमोरी अब तू बता, पहले मैंने वर्स बताई यार, सिर्फ एक ही बताई है यार, कुछ छोटी छोटी होंगी, तू कुछ भी जो तेरे को लगे कि हाँ ये बेस्ट था हमारा। मतलब एक स्पेसिफिक मेमोरी बताने के अलावा एक वैसे जनरली बताती हूँ कि कीर्ति के साथ सबसे ज्यादा मुझे साथ में रहना इसलिए पसंद है क्योंकि कीर्ति बहुत ऐसे हंसती खिलती रहती है, हंसाती रहती है, मजाक करती रहती है। मतलब मैं अंदर से हूँ थोड़ी सी एक्सट्रोवर्ट, बट मैं ना बहुत जल्दी एम्बेरस हो जाती हूँ, तो वो वाली साइड मेरी कीर्ति बाहर निकाल के आती है। सो आई लाइक मी व्हेन आई एम विद कीर्ति। ये तो बहुत प्यारा बोला तुमने। ऐसे मेरे बहुत कम दोस्त है जिनके साथ ये वाला मेरी साइड निकलती है। ऐसा के अलावा एक बार क्या हुआ था, जब हम अभी हिमाचल गए थे, वो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब सी हो गई थी लास्ट डे पे, तो मैं गाड़ी में ही बैठी थी, मेरा निकलने का ही मन नहीं कर रहा था। तो कीर्ति सब बाहर फोटो खींच रहे थे, ऑब्वियसली जाके सामने किसी का मुंह बनाओ तो ऐसे, वो ट्रिप पे घूमने आए यार तो बुरा सा मुंह बना के क्यों खड़े होना किसी के आगे। तो मैं गाड़ी में ही बैठी रही थी, तो कीर्ति बाद आई कि कहाँ आज रखा है, मेरे को ढूंढते ढूंढते आई गाड़ी से निकाल लेके। और उसके बाद जब मैं तुम्हारे कंधे में कूदी थी वाली वीडियो बनाई, तो एक और मेमोरी है मेरे दिमाग में मेरी है। एक तो हिमाचल में ही है, जब हम साड़ी का शूट करने गए थे दोनों, वहाँ पे बहुत ड्रामे हुए थे। और वो ये था कि आशना को सनलाइट में वीडियो बनानी थी, पर मेरी वीडियो बनाने में इतना टाइम लग गया कि आशना की वीडियो तक में सन जो है नीचे चला गया। पर ये बिल्कुल भी कुछ मतलब हो सकता है कि अंदर लगाओ कि नहीं, मतलब नहीं ठीक है तो क्या हो गया। मतलब अगर यही चीज एक साल पहले होती ना सेम चीज तो मैं बुरा मानती, पर अब तो क्या है। जबकि साड़ी की वीडियो इसको स्पेशली बनानी थी, मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था, तो मेरे को लगा आशना कितनी प्यारी है। और एक और हुआ था वहां पे हिमाचल ट्रिप में कि मैं और अज्जू शायद बाहर चले गए थे घूमने, क्योंकि इन सब लोगों ने मना कर दिया और हमें व्लॉग बनाना था, तो हमने कहा व्लॉग के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, तो हम बाहर घूमने चले गए। फिर मेरे भाई भाई का फोन आया, ये सब सो रहे थे, उनका फोन आया तुम बाहर चले गए, लो हम भी जा रहे। फिर सैंडी, अच्छा लॉर्ड मीर बाहर चले गए, आशना से पूछा तो आशना तू मेरे से नहीं बोल, बाबू पहले आप सो रहे थे जब मैं गई थी। हाँ तो उन वो लोग निकले, तो पर वो जब निकले तो मैं उठ चुकी थी, तो उन्होंने नहीं पूछा, मैंने देखा था तो ये सो रही थी, उन्होंने नहीं पूछा। तो ये जब मैं वापस आई तो इसका मुंह उतरा हुआ था बिल्कुल। फिर जो आपने देखी ना मिरर के पास हमारी ऐसे गले लगने वाली जो वीडियो है, वो जिसपे रील कटती है, तो वो तब की थी, वो एक बेस्ट थी। और एक और थी कि वहीं पे आशना ने मांझू पे सारा लेमनेड गिरा और मेरे को कह रही जा रही हूँ दिल्ली, मैं पैदल जा भाग के बस करा दो मेरी, मैं चली जा घाटा में पिटेगी बेचारा। मतलब बेस्ट वो भी है, पर उसे मेरा मूड खराब था जब तुम दिवाली पे आई थी, मेरे को बिल्कुल इतना भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैंने सरप्राइज दिया था इसे, मुझे पता था आशना अकेली होगी, तो मैंने कहा मैं पहले आशना के पास होके आऊंगी। तो मैंने गाड़ी पहले सारे उधर जा रहे थे अन्नी के वहां पे, पर मैंने गाड़ी इधर घुमाई, मैंने कहा नो। एक बार हम गाड़ी में निकले थे ऐसे, जैसे आशना बहुत कम निकलती है रात को, या तो लव के साथ निकल गई या फिर ऐसे गई, पर इसको घूमना बहुत पसंद है कि गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, हमारा गर्दी करेंगे। तो मैं बाहर निकली थी इसको लेके, फिर हमने वहां पे रात को मोमोज खाए थे और मैगी खाई थी, मैगी हम लेके आए थे। हाँ। और हमने टेलर स्विफ्ट के गाने चला के ब्यूटीफुल गाड़ी भगाई थी, और उस दिन आशना की जो साइड निकल के आई थी बाहर, तो वो मेरे को तब बहुत अच्छा लगता है कि जब ये इसकी ये वाली साइड मेरे साथ आती है निकल के। छोटे छोटे एकदम से एक वीडियो में भी याद नहीं आ रहे, ऐसे छोटे छोटे हैं। तो हिमाचल में लड़ाई होती होती रह गई थी हमारी, होती होती कह रही अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो ये क्लिप भी डिलीट करोगी तुम। मैंने कहा क्या हुआ है, ऐसी चीज भी ना मैं सबको नहीं बोलती, मैं चुप रहती, तभी मैं कुछ नहीं कहती, कोई बात नहीं यार, गुस्सा भी मैं सब पे नहीं करती। इसको कर ले रहे, मेरे को ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मेमोरी नहीं है, पर मेरे को एक चीज ऐसे और अच्छी लगती है कि जैसे उसके मन में कभी जेलेसी वाला फैक्टर नहीं आता मुझे लेके, कभी भी नहीं। खुश होते हैं हम एक दूसरे के लिए कि ये अच्छा कर रही है, मेरे को लगता है। बट फिर मैं भी तो लकी हूँ ना कि मेरे पास कीर्ति है, कीर्ति के पास कीर्ति नहीं है ना, कीर्ति का जो ट्रू फीमेल फ्रेंडशिप होती है वो ये नहीं होती कि तुम बाहर जाके मॉल्स में शॉपिंग कर रहे हो, तुम जाके फोटोज खिंचवा रहे हो, तुम जाके ये सब कर रहे हो, या सलून सेशंस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मुझे लगता है फीमेल फ्रेंडशिप जो जेन्युइन होती है वो ये होती है कि तुम
एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो। कभी मैं डीमोटिवेट हो जाऊं या कभी इसका मूड ऑफ हो जाए तो हमें ये नहीं होता कि चल ये कर लेते हैं, चल वो कर लेते हैं। हम लोग काम पे ध्यान दे रहे की एक दूसरे को वो करते हैं कोशिश। मैं जेलेसी से ज्यादा ना इन चीजों को मोटिवेशन में लेती हूं। तो अगर मेरा कुछ होता है तो ये बहुत ऐसे खुश होती है, इसका कुछ होता है मैं तो चाहती हूँ इसका हो और हो और बड़ा वेयर हाउस खुले, बड़ा ब्रांड बने, बड़ा सब कुछ हो गए। तो मैं बहुत ऐसे थैंकफुल हूँ कि मेरे को फीमेल वीडियो में मेरे को फीमेल फ्रेंडशिप की कदर करनी आ गई। अर्चना की पहले आदत नहीं थी ऐसे खुद से फोन करे या कुछ करे, अब वो करती है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी आदत पहले भी तुम्हारी ये आदत थी कि इरिटेट हो जाती थी किससे फोन से। एक आदत बताती हूँ कीर्ति को, अगर किसी का फोन नहीं उठाना था क्या ऐसे करती है तो मेरे साथ में कर रहा है। तो मैंने कीर्ति को एक ही चीज बोली, तुम मेरा फोन काट दो पर कभी ऐसे मत करना। अब मेरे को पता है कि आशना को ये चीज पता चल चुकी है तो तुमसे मेरी टेक नहीं होती, तुम उठा लेती हो ना। पर मेरे को ये चीज अच्छी लगती है कि भाई ये मेरे को खुद से कॉल कर देती है, जिसका नेचर कभी ऐसा था कि नहीं मैं नहीं करूंगी। गाइस बहुत कुछ नहीं जा रहे, मेरे को ऐसा लगता था कि अब हो तो हो ना इन्फ्लुएंसर बड़ी कि लगेगी कि जोड़े सी चेक बड़ी है मेरे, पर है ही नहीं ऐसा। तो मेरे को अच्छा लगता है ये आके मेरे को तैयार करती है, ये कर लो ये कर लो वो कर लो, दैट इज क्यूट। मैं कितने अच्छे से बोलती हूँ यार, मैं नहीं बोलती अच्छे से ना बेटा, रील तो उसी की बनेगी जो मैंने बोला है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं नहीं बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो देखना। ओके बाय। और अगर आपको ऐसी मेमोरीज या ऐसी कुछ और क्वेश्चंस हैं तो हम Q&A नहीं बना रहे मेरे चैनल पे नहीं, पर अगर आपको चाहिए ये पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें बताओ तो वो हम ऐसे बताएं। हाँ टॉपिक दो, क्योंकि अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि और क्या टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि एक टॉपिक पे हमने और इस वीडियो पे कमेंट कर देना कि कीर्ति दीदी ने आपके साथ जो चैलेंज प्लान किया है आउटडोर वॉक आज ना तू करेगी खत्म।